कौन है? दीवार के पीछे से आवाज। सोनाली का नंबर? मनन, हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, मनन, मनन, हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, प्लीज। हेलो, 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 सोनाली, हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सोनाली, is that you? सोनाली, अरे गागा, इतने रात को काहे चिल्ला रहे हो? वो मैंने सोनाली को देखा, वो यही थी, अपनी आंखों से देखा मैंने उसे। ओह रानी को डरा रहे हमको? अरे बिटवा, हम तुमने कमरे में गए थे, ये नींद की सारी गोलियां खत्म कर दी, उसी का असर होगा। बहू रानी कैसे आएगी? जो चार साल से नहीं आई वो अब कैसे आएगी? है? तुमको भ्रम है, जाओ सो जाओ। ठीक है, मनन, 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 मनन कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आओ। देखो, आज मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। मनन, देखो ना, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। ये वाला है ना, ये मैंने हमारी एंगेजमेंट के लिए लिया है। और ज्वेलरी भी सारी खरीद ली है। पर ज्वेलरी से पहले मैं तुम्हें हमारी शादी की ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, शादी का लहंगा कैसा लग रहा है बताओ ना। और तुम ना ग्रीन पहनना, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे। मनन, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, क्या बात है? कोई टेंशन है क्या? ऑफिस में कुछ हुआ है? यू आर स्ट्रेस्ड। नहीं प्रगति, ऑफिस में कोई स्ट्रेस नहीं है।
तो फिर क्या बात है? प्रगति, I think हमें शादी के लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए। क्या हुआ मनन? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं प्रगति, बट स्टिल मुझे लगता है हमें थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है मनन, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वैसे भी शादी जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। यू टेक योर टाइम। प्रगति, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। एवरीथिंग ओके? कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ, मनन ने कुछ कहा? मैं फोन करता हूँ। नहीं भैया, मनन से कुछ मत कहिए। तो फिर तुम बताओ क्या हुआ। एक्चुअली मनन शादी के लिए रेडी नहीं है। What? He needs some more time. मनन, तू मनन की टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ उससे, ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है? अगर वो रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए वेट करूंगी। अच्छा, अगली तुझे झूठ बोलना भी नहीं आता, हंस के दिखा। कम ऑन, थोड़ा सा हाँ। यस यस यस, that's like my sister. Take care. Do it as soon as possible. Okay? Sorry, gentlemen. Manan, I need to talk to you. Something personal. Okay. Just give me 10 minutes. You please take care of them. What is this, Manan? क्या चल रहा है? तुमने प्रगति को क्या बोला? सुबह से रोए जा रही है, बोली तू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, तुझे और वक्त चाहिए। यार तू अभी तक क्लियर नहीं है, क्या हुआ अचानक? मनन यार, यार गौरव, कल रात मैंने घर पे सोनाली को देखा। सोनाली? हाँ यार, घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी, मैं वो सब कुछ भूल नहीं पा रहा हूं यार। तूने सच में सोनाली को देखा? हाँ यार, और हरी काका ने कहा कि स्लीपिंग पिल्स ज्यादा खाने की, पर मैंने दीवार पर एक नंबर देखा, वो नंबर उसी का था। तू ऐसा कर, उस नंबर पे डायल कर। कम ऑन। ठीक, फोन मुझे दे। हेलो भाई, 4 किलो मच्छी भेज देना। अरे यार रॉन्ग नंबर है, क्रॉस कनेक्शन हो गया था, तू फिर से डायल कर। देखा मनन, पास में जीना छोड़ दे भाई, फ्यूचर की सोच। मेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है और उसकी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। यार सोनाली तेरा पास थी भाई, 4 साल हो गए उसे गए हुए, तेरा फ्यूचर प्रगति है। सोच, अब तो तुम्हारी शादी के कार्ड तक छप गए। शायद तू सही कह रहा है यार, मुझे प्रगति से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry, प्रगति। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हें उसके लिए
उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। आई थिंक कल रात को स्लीपिंग पिल ज्यादा ले ली मैं, उसी की वजह से मुझे लगा जो कुछ भी हो रहा है वो एक सपना नहीं बल्कि रियल में हो रहा है। मनन इट्स ओके, तुम अभी वेट करना चाहते हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, आई एम रेडी टू वेट। नहीं प्रगति, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं, तुम्हारे इमोशंस को हर्ट करूं, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये क्या है? ये हमारे यूरोप की टिकट्स। मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी के बाद मैं काम से एक महीने का ब्रेक लूंगा और फिर जैसा तुम चाहती थी वैसे हम हनीमून के लिए यूरोप जाएंगे। हैप्पी ना? अरे अब तो स्माइल कर दो, मैंने सॉरी भी बोल दिया। प्लीज आई एम वेरी हैप्पी। मनन, मनन, सोनाली, मनन, अरे बस एक आओ ना जल्दी मनन, एक मिनट, क्या कर रहे हो, कब से बुला रही हूँ। मनन फिर सुबह नींद नहीं खुलेगी, आओ ना। मनन, मनन बताओ ना क्या खाओगे। मनन आज डिनर में कुछ और ही खाने का मन है। अच्छा जी, कुछ और खाने का मन कर रहे हैं आपको? जैसे कि जैसे कि जैसे कि वेरी बैड, वेरी गुड, नो, यस, कम ऑन। मनन, मनन, डिनर के लिए लेट हो रहे हैं ना बाबा, चलो ना। मनन बहुत भूख लग, लो आ गया। हरि काका गाड़ी निकलवाइए। चलो हरि काका, आपने देखा ना, आपने सोनाली को देखा ना, बोलो ना काका, आपने देखा ना, देखा ना आपने? नहीं, नहीं देखा। तुम्हारा भ्रम है बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। हरि काका, ये आप डर क्यों रहे हैं? मैं हूं। और ये बैग पैक करके कहां जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। काका मेरी शादी होने वाली है और ऐसे टाइम पर आप मुझे अकेला छोड़कर तबीयत खराब हो गई ना, आपको देखकर भी लग रहा है, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं मेरी नहीं, तुम्हारी चाची की, गांव जाना पड़ेगा, दवाई वाई करके आ जाएंगे तुम्हारी शादी में। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। Oh!
ये फोनवा यहाँ कहाँ से आ गया? अरे कौन आया है? फोन कौन लाया? कौन लाया फोन? कौन है? कौन है फोन? हरि काका, आप जा रहे हो? मनन, आई एम सॉरी तुझे इतनी रात को बुलाना पड़ा। यार मुझे लगता है सिर्फ तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। यार ये वहम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ अजीब सा आ रहा है। हरी काका भी इसी वजह से गए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा लेट मी चेक। मैंने कहा था ना तुझे कुछ है यार। इसमें नहीं, तेरे दिमाग में। सीरियसली मनन, तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तू ऐसा कर, आज गेस्ट रूम में सो, मैं तेरे बेडरूम में सोता हूँ, और जो भी तेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है सुबह तक तेरे सामने लेकर। ट्रस्ट मी, यू श्योर? 100%। अब तू रेस्ट कर ले। ठीक, जा। कौन मजे ले रहा है यार? कौन है दीवार के पीछे? कौन है दीवार के पीछे? हाँ, हाँ।
गौरव, आई थिंक ये बिना बताए निकल गया। मनन, हेलो। गुड मॉर्निंग प्रगति। गुड मॉर्निंग। अच्छा गौरव घर पहुंच गया क्या? नहीं जनाब, मेरे साथ यहाँ रात को रुके तो सही, लेकिन सुबह अचानक गायब, मोबाइल भी यहीं भूल कर गया है वो। तुम्हें तो पता है ना कि भैया की कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, किसी ने बुला लिया होगा और वो वहाँ चले गए होंगे। अभी थोड़ी देर में खुद ऑफिस पहुँच जाएंगे, यू चिल, ओके? या राइट, मैं भी ऐसे ही फिक्र कर रहा था। एनीवे यू टेक केयर, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, सी यू, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गौरव, गौरव आया? नो सर, गौरव सर अभी तक नहीं है। वो जैसे ही ऑफिस में आया उसे मेरे कैबिन में भेजें। जी। गौरव ऑफिस आया है क्या? नहीं सर, गौरव सर तो अभी तक ऑफिस नहीं आए। नहीं आए? ओके। हेलो, गौरव ऑफिस आया है क्या? नहीं सर, गौरव सर अभी तक नहीं आए। कोई मैसेज, कोई कॉल? नहीं, कोई मैसेज और कॉल नहीं आया। उनकी आज एक मीटिंग थी, उन्होंने वो भी अटेंड नहीं किया। ओके सर। जी गौरव कहाँ चला गया? जी हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा दिन निकल गया लेकिन गौरव का कुछ पता नहीं चला। हर जगह मैंने चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिला वो। ना तो किसी ने गौरव को देखा और ना ही किसी की गौरव से बात हुई। ये गौरव गया तो गया कहाँ? जी, हो क्या रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मनन, तुम कितनी टेंशन ले रहे हो? भैया कोई छोटे से बच्चे थोड़ी ना जो गुम जाएंगे, कहीं गए होंगे वापस आ जाएंगे, इतना मत सोचो। ठीक, लेकिन अगर वो कल सुबह तक नहीं आए तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। प्रगति,
किसी के ऐसे अचानक गायब हो जाने से मुझे बहुत डर लगता है। वही सब कुछ मुझे याद आने लगता है। मनन, जो सोनाली के साथ हुआ दैट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। तुम भैया कैसे जाने को उस इंसिडेंट से लिंक मत करो, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सही तो हुआ था 4 साल पहले। सोनाली, अरे सोनाली कहाँ हो तुम? सोनाली, 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 ये सोनाली कहाँ चली गई? हरी काका, हरी काका, बबू आ गए? कैसा रहा सफर, सब ठीक ना? बढ़िया हरी काका। सोनाली कहाँ है, दिख नहीं रही? अरे बबू, हम सुबह से बाहर गए हुए थे, अभी अभी आए हैं, होंगी यही कहीं पे। हम तुम्हारे लिए पानी वानी लेके आते हैं। The number you're trying to reach is switched off. अरे बबुआ, इतनी रात को काहे घूम रहे हो? रात बहुत हो गई है, सो जाओ जा करके। अरे हरी काका, सोनाली अभी तक नहीं आई, उसी का वेट कर रहा हूँ। आ जाएंगे ना भोरानी, आ जाएंगे, सो जाओ। मनन प्लीज प्लीज, तुम अपने पास को भूलने की कोशिश करो। देखो भैया के ऐसे कहीं जाने में और सोनाली के गायब होने में बहुत फर्क है, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। प्लीज रिलैक्स। क्या है ना कि तुम्हारे मन में डर सा बैठ गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जस्ट रिलैक्स, ओके? तुम ऐसा करो कि आज रात को यहीं रुक जाओ, भैया तो आते ही होंगे, जैसे ही आएंगे उनकी अच्छे से खबर ले लेना, ठीक है? सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने, चलो चलो कुछ खा लो, उठो। मनन, तुम अभी भी टेंशन में बैठे हो? अरे भैया तो आए दिन ऐसा करते रहते हैं, प्लीज चिल। अच्छा मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ, अब तुम सो जाओ, ओके? गौरव, हेलो गौरव, कहाँ है तू यार? मनन मैं तेरे घर पर हूँ, प्लीज यार घर जल्दी आ जा, प्लीज भाई जल्दी आ जा। अरे यार तुझे कितना ढूंढा मैंने, और तू इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहा है? यार ये सब बताने का टाइम नहीं है, तू बस जल्दी घर आ जा। अच्छा अच्छा गौरव, मेरी बात। हेलो हेलो, क्या हुआ मनन? भैया ठीक तो है ना? हाँ कुछ की आवाज से तो ठीक नहीं लग रहा। क्या? तो इस वक्त मुसीबत में और मेरे घर पर है, मैं भी चल रहा। हाँ चलो चलो। भैया, गौरव, भैया, गौरव, भैया, गौरव, भैया, भैया, कौन? हाँ ये तो स्विच ऑफ है, यही कहीं होंगे ना फिर। चलो बाहर देखते हैं। हाँ, हाँ। चलो। भैया, गौरव कहाँ गए? भैया गौरव, गौरव, मनन तुम्हें पूरा यकीन है ना
कि भैया ने अपने नंबर से ही फोन किया था? हाँ हाँ, उसी नंबर से उसने मुझे फोन किया। तो फिर भैया है कहाँ? प्रगति, प्रगति दरवाजा खोलो। प्रगति ओपन द डोर। प्रगति, एलिन, बता दो उसे, प्रगति, आई ओपन द डोर। मैंने कहा बता दो उसे। प्रगति दरवाजा खोलो प्लीज। तुम भाग क्यों रही हो प्रगति? प्लीज ओपन द डोर। प्रगति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रगति, किससे माफी मांग रही हो तुम? मुझे वो मार डालेगी, सोनाली मुझे मार डालेगी। मनन, हाँ मनन, मनन, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। मुझे माफ कर दो मनन, मुझसे गलती हो गई। You just calm down, तुम शांत हो जाओ। सोनाली तुम्हें जान से क्यों मारेगी? Tell him, बता उसको। Tell him, मनन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 साल पहले चुप हो जाओ। अब रोने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। मनन और सोनाली की शादी हो चुकी है, प्रगति अब कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना भैया कि मैं मनन से कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने सिवा किसी और को उसकी पत्नी बनते हुए नहीं देख सकती। अगर ऐसी बात थी तो उसकी शादी से पहले करना था। ये खुद का प्रेमी गवा दिया और मेरे पैसे। जानती हूँ 450 करोड़ रुपए की आसामी है मनन, अगर तुम्हारी उससे शादी होती ना तो मेरे हाथ जरूर कुछ ना कुछ लगता। आप अभी भी पैसों के बारे में सोच रहे हो, अपनी बहन के बारे में मत सोचना। सब सोच रखा है मैंने, कैसे तुझे मनन के नजदीक लेकर जाऊंगा। वो कैसे? मनन अपनी शादी के बाद अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन कराना चाहता है, और प्रगति तुम एक वेल क्वालिफाइड इंटीरियर डेकोरेटर हो। तुम अगर उसके घर के डेकोरेशन की जिम्मेदारी उठाती हो कभी भी उसके घर आ जा सकती हो, तो इस तरह से तुम्हारा उस घर में आना जाना आसान हो जाएगा। तुम मनन के नजदीक जा सकती हो। एक और मौका फिर से, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उस मौके का इस्तेमाल कैसे करती हो। सोच क्या रही? अगर तुम बोलो तो मैं मनन से बात करूं तुम्हारे लिए। हाँ, घर तो पूरा सेट हो गया है, चलो पर्दे के सैंपल्स देखते हैं। यप, ये हैव अ लुक। इसमें ये वाला पिक्चर, यस दिस वन। मनन वापस कब आ रहे हैं? हाँ तो आई वाज थिंकिंग ये रेड एंड गोल्ड करते हैं यहाँ पे। What do you think? Yeah, I think ऊपर pastel colors will look nice. वो मनन कब आ रहे हैं? प्रगति, काम पे ध्यान देते। Okay? Anyway, मैं क्या सोच रही थी, ये जो वॉल है मेरे बेडरूम के बाहर, यहाँ पे येलो पेंट करते हैं। वैसे भी वास्तु के हिसाब से बेटर रहेगा, है ना? Really? I think yellow will look pathetic. Blue will look a million times better. Trust me. No, I don't think so. वैसे भी मनन को blue पसंद नहीं आएगा। Yellow करेंगे।
यू नो व्हाट, मैं मनन को सालों से जानती हूँ। उसकी पसंद नापसंद, उसकी खुशी, इन सब चीजों का ख्याल है मुझे। मैं उसे सालों से ऑब्जर्व करते हुए आ रही हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम उसे कितना ऑब्जर्व कर रही। तुम्हारी गंदी नजर मेरे पति पे ही मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम उनके आस पास आने के बहाने ढूंढती रहती। यू नो व्हाट प्रगति, यू आर फायर्ड। अपना सामान उठाओ एंड गेट लॉस्ट। मैं अभी मनन को फोन करती हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताती हूँ। How dare you? छोड़ो मुझे। सोनाली, भैया, हेलो भैया, अच्छा वो आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरी और सोनाली की भैंस हो गई। मुझे कहने लगे कि घर से बाहर निकल जाओ, गेट आउट बोला मुझे, और फिर कहने लगे कि मैं मनन को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। गलती से भैया, जानबूझ के नहीं, गुस्से में मैंने उसे मार दिया भैया। रिलैक्स, जो हुआ अच्छा हुआ, अब बस इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। वो कैसे? सामने वाली दीवार, उस दीवार को तोड़कर इसे उसके पीछे दफना देते हैं। दीवार को फिर से नया जैसे कर देंगे। कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा कहाँ चले गए। चलो। औरानी, ये क्या किया तुम लोगों ने? औरानी को मार दिया। चार साल से मैं सोनाली को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे जिंदा मिलेगी या नहीं। तुम लोगों ने उसे अपने ही घर में चुनवा दिया। अब मुझे समझ में आया, चार साल बाद वो मुझे अचानक क्यों नजर आने लगा। क्योंकि पागल था मैं। उसकी जान लेने वाले को ही अपनी लाइफ में उसकी जगह देने वाला, तुमसे शादी करने वाला था। पर तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर उसी जान से मारा। You killed my wife! मुझे माफ कर दो। अरे कैसे माफ कर दूं तुम्हें? तुम्हारी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उससे कितना प्यार करती थी तुम्हें, उसे उस पादा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं।
माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हरी काका, हरी काका एक चाय ला दो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।